पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत बीतलू के नीचे मनियाला गांव के नाले में मावा गांव के युवक का शव मिलने पर परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक युवक के परिजनों ने एसपी को इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक नीरज 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका मोबाइल एक्टिव था, जबकि 27 अप्रैल को उसका शव नाले में बरामद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि मृतक के साथ जो भी युवक थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि नीरज की मौत कैसे हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की कैप और स्कूटी की चाबी सही तरीके से रखी हुई पाई गई, जबकि उसका शव नाले में मिला। परिजनों ने एसपी को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले में गंभीरता से जांच करके न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक युवक के चाचा स्वरूप कुमार ने कहा कि उनके भतीजे का शव नाले में मिला था। हमारी पुलिस प्रशासन से गुहार है कि हमें न्याय दिलाया जाए। मेरा भतीजा 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका फोन चल रहा था और 27 अप्रैल की दोपहर उसका शव बरामद हुआ था, जिसकी शिकायत मैक्लोडगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। मेरे गांव से आगे एक मावा नाम की जगह है, वहां से आए हैं। हमें अचानक ना पता चला और हमारे एक भतीजे की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी मिली थी हमें, और इसलिए हम पुलिस प्रशासन के साथ ये गुहार लगाते हैं कि हमें अन्याय दिलवाया जाए। इस सत्ता मतलब 26 तारीख को गया था और 26 तारीख से लापता फ़ोन चल रहा था उसका, और 27 तारीख को 2:30 या 2:30 बजे के बीच में हमें ये उसकी डेड बॉडी मिली थी। कोई शिकायत भी दर्ज है? शिकायत हाँ जी, हमने ऊपर मैक्लोडगंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी 27 तारीख को, और 27 उनकी सहायता के अनुसार हमने जो जीपीएस था उसकी बाइक थी, उसका बाइक जीपीएस टेस्ट से हमने उसको पुलिस की मदद मिली, लेकिन हमने ढूंढा उसको खुद अपने आप से ही। आज एसपी साहब से मिलने आए हैं, हाँ जी, किस तरह की फरियाद है? हाँ जी, हमारी ये फरियाद है कि हमें सही तरीके से हमारा न्याय जो हमारी जाँच की जाए, सही तरीके से हमें आपका सहयोग करें आपको हमारा। एएसपी जिला कांगड़ा दिनेश कुमार ने कहा कि 26-27 अप्रैल को मृतक नीरज की माता ने पुलिस थाना मैक्लोडगंज में शिकायत की थी, जिस पर पुलिसकर्मी युवक को ढूंढने गए थे, जिस पर युवक का शव नाले में मिला था। मैंने खुद मौका देखा था और फोरेंसिक लैब की टीम भी भेजी गई थी। मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। जो सूचना मिली है उसके तहत 3 लड़के थे, जो भी मौके पर मिला है उसे कब्जे में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवा कर बिस्तरा भी प्रिजर्व करवाया है। जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हें केमिकल जांच हेतु फोरेंसिक लैब भेजा गया है। मृतक सहित जिन दो लड़कों द्वारा उसके साथ शराब पीना पाया जा रहा है उनके मोबाइल लेकर फोरेंसिक लैब भेजे हैं। मोबाइल डाटा एनालिसिस करने उपरांत जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जाँच की जा रही है। जो भी इसमें सच्चाई होगी उसे सामने लाया जाएगा। ये अभी लास्ट मंथ की करीब 27-26 की बात है कि पुलिस थाना मैक्लोडगंज में एक कंप्लेंट करी थी जो मृतक है उसकी मदर ने, जिस पर जो है थाना से हमारे कर्मचारी उनके साथ उसको ढूंढने गए थे, तो एक लड़का जिसका नाम नीरज है उसकी बॉडी जो है वो एक पहाड़ी से नीचे नाले में पाई गई थी, और मौका पर मैं खुद भी गया था और FSL की टीम भी वहाँ पे गई थी, तो मौका को सारा देखा और मौका पे जो भी एविडेंस हमें मिले हुए हैं उनको सारा कलेक्ट कर दिया गया है, और ये पाया जा रहा है कि ये 3 लड़के थे जो जिन्होंने वहाँ पे कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस भी लिए हैं, तो बॉटल्स वगैरह भी वहाँ पर हमें मिली थी, और वो सारी हमने कब्जे में लेके और जो अन्य एविडेंस हमें मिले हैं बॉडी को हमने वहाँ से उस दिन लोकल गांव वासियों की सहायता से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसका विसरा भी प्रिजर्व करवाया है, और ये सारी चीज़ें हमने केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दी हैं, और उस लड़के का जो मृतक है उसका मोबाइल भी हमने लिया है, और जो 2 लड़के जिन्होंने उसके साथ शराब पीना पाया जा रहा है उनका भी मोबाइल हमने लेके जो है उनको FSL में भेज दिया है, और FSL में उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाएगी, और जो डाटा एनालिसिस के बाद जो भी आएगा वो उस हिसाब से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के आरोप हैं सर, जो साथी हैं उन लोगों के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, अब ये तो है कि 3 लड़कों ने वहाँ पे शराब पी है, लेकिन अभी ऐसा कोई स्कफल मार्क्स और वो उस टाइम हमें
FSL की टीम को और हमें कोई ऐसे नज़र आए नहीं है, लेकिन फिर भी हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसमें सच्चाई होगी वो सामने आएगी।